वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बजट फ्रेंडली बंगाली गुलाब जामुन बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखें, हमारे पास एक पॉट है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी और 1 कप शक्कर। साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर और चुटकी भर ज़ाफ़रान। अगर हो तो डाल दें, ना हो तो कोई हर्ज नहीं है। और अब इसे हम हिला लेंगे। शुगर हमारी थोड़ी बहुत डिसॉल्व हो गई है, तो चले अब हम आ जाते हैं अपने अनदर पैन की तरफ। यहाँ देखें, हमने एक फ्राई पैन रखा है, इसका हम चूल्हा ऑन करते हैं। चाशनी का चूल्हा हमने रखा है मीडियम हाई और ये रखेंगे मीडियम लो। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून घी, 1/2 कप सूजी। अब चूल्हे को थोड़ा सा और लो कर देंगे, लीन लो से थोड़ा सा हाई है, और इसे हम भूनेंगे। कलर हमें नहीं चेंज करना है, लेकिन हमें अच्छे से खुशबू आए जब तक इसे भूनना है, अराउंड 4 से 5 मिनट तक। ये इतनी मज़ेदार सी मिठाई है, बहुत क्लोज है गुलाब जामुन से और फिर बजट फ्रेंडली है और सिंपल भी बहुत है। यहाँ देखें, चाशनी में बॉयल आना शुरू हो गया है, तो बस इसे हम 2 मिनट तक पकाएंगे। 4 मिनट के आसपास हो गए हैं, तब इसमें हम 3/4 कप यानी 3/4 कप दूध डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। अब चूल्हे को करते हैं बंद और अब इस मिक्सचर को निकाल लेते हैं, ठंडा होने के लिए रख देते हैं एक बर्तन में। बड़ी शानदार सी खुशबू आ रही है। चाशनी को 2 मिनट हो गए हैं पकते हुए, तो अब चूल्हे को करते हैं बंद और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। और ये भी थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, तो चले मिलते हैं 3-4 मिनट में। मिक्सचर जो है वो हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है, तो ग्लव्स पहनते हैं और इसको अच्छे से मस लेंगे। अराउंड 2 मिनट अच्छे से इसको मसल लेंगे। देखिए 2 मिनट हो गए। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून दूध और 2 टेबलस्पून दूध पाउडर, किसी भी किस्म का ले सकते हैं आप। और साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर। और अब इसको 2-3 मिनट तक अच्छे से मस लेंगे। 2 टेबलस्पून है, सिर्फ दूध पाउडर जो है 2 टेबलस्पून ही गया, घी भी 1 ही टेबलस्पून है, और फिर इतने मज़ेदार है और झटपट बनने वाले हैं। देखिए 5 मिनट हो गए ऑलमोस्ट मसलते हुए और हल्की सी शाइन सी आ गई है, बड़ा स्मूथ सा हो गया है डो। तब इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा। और इसको मिला लेंगे अच्छे से। एंड में हमने इसलिए डाला कि हमें इसके साथ गूंदना नहीं है, बस मिक्स करना है, इसका पावर जो है वो ख़त्म नहीं करना है।
तो ये अच्छे से मिला लिया हमने। अब थोड़ा सा लंबा कर लेंगे ताकि पीसेस निकालने में इजी रहे। अब आपकी मर्जी है, आपको छोटे बनाने हो, बड़े बनाने हो, जिस तरह से भी बनाने हो। पहले बॉल बनाएंगे और यहाँ देखें हमने तेल रख दिया है बिल्कुल स्लो पे। अगर आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। तो ये देखें बॉल अच्छा सा बना लिया, स्मूथ सा। और अब इसको थोड़ा सा चपटा कर देंगे इस तरह से, और ये इसको जो फटा है उसको सही कर देंगे। तो बस इसी तरह से बना लेंगे। वैसे कुछ अरसे पहले मैंने काला जामुन बनाया था विद मावा फिलिंग, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था। अगर इन केस आपने नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। तो ये हमारा लास्ट भी हो गया। तो बस अब चेक करेंगे ऑयल हमारा कितना गर्म है वुडन स्क्यूअर या स्पून से। तो ये देखें इस तरह के बबल आने चाहिए, बहुत फास्ट नहीं आने चाहिए। तो चले अपने डाल देते हैं गुलाब जामुन। बस अभी हाथ नहीं लगाएंगे एक मिनट तक। दो मिनट हो गए हैं और हमारे गुलाब जामुन जो है फ्लोट कर गए हैं। तब हम इसी से ऑयल से ही थोड़ा सा इसको घुमाएंगे इस तरह से। बेसिकली हमें ऑयल घुमाना है तो गुलाब जामुन खुद ही घूम जाएंगे। अब पलट लेते हैं। तो बस उलट पुलट के अच्छा सा सुनहरा कलर होगा जब तक फ्राई कर लेंगे, अराउंड 4 से 5 मिनट तक। देखिए 5-6 मिनट हो गए, चूल्हे को करते हैं बंद, इसको निकालते हैं। सिरप जो है वो हल्का सा वॉर्म है, ये डाल देंगे। और अब गार्निश करेंगे बादाम और पिस्ते से। अब वेट करेंगे, आधा घंटे बाद मिलते हैं, ज़रा सा चाशनी जो है वो पी लें गुलाब जामुन। तो हाफ आवर में मिलते हैं। देखिए आधा घंटा हो गया है और चाशनी जो है वो कुछ पी ली है, कुछ हमें चाहिए, तो डिश आउट करते हैं। देखिए मोटे मोटे हो गए हैं, मोटे मोटे। और ये सिरप के साथ मज़ा आता है खाना। तो देखा कैसे झटपट बजट फ्रेंडली हमारे ख़तरनाक से बंगाली गुलाब जामुन बन गए। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसे रहे।
माइंड ब्लोइंग। सिर्फ 2 टेबलस्पून दूध पाउडर है लेकिन ऐसा खोए खोए जैसा लग रहा है। आप लोग के लिए तो खाना बनता है, ये ले, और खिलाना भी बनता है, ये ले मैं आपको खिला रही हूँ। मुझे ही खाना होगा। सुपर खतरनाक, वेरी जूसी, वेरी यमी एंड वेरी इजी बना बनता है। तो चलिए जल्दी ले जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।